शकल देखो कैसी हो गई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। अभी हैं हम लोग पराशर से नीचे, लगभग 23 किलोमीटर नीचे हैं। इस जगह को बोलते हैं बागी, वहाँ पर हैं अभी। और कल सुबह पराशर में तो काफ़ी बर्फबारी हुई थी, अभी भी बादल पूरे घिरे हुए हैं, मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है। अगर हम लोग सुबह जल्दी निकलते हैं तो शायद हमें बारिश ना मिले और हम जल्दी जल्दी उतना नीचे हो सकता है उतना नीचे पहुँच पाएंगे, पर अगर लेट करते हैं तो बारिश भी मिलेगी और आगे सफ़र भी हमारा लंबा होगा। तो ये सेम कॉटेजेस हैं जहाँ पे हम लोग ऊपर पराशर में रुके थे, कृष्णा कैंप्स है, कृष्णा कैंप्स। तो काफ़ी अच्छा है, 1000 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट टी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो अच्छा था। बागी में भी इनका कैंप है और फिर ऊपर पराशर में भी। तो अगर आप बागी से पराशर के लिए ट्रैक करना चाहते हैं जो कि 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो ट्रैक भी आप यहां से कर सकते हैं इनके थ्रू। चलता हूं अभी ब्रश वगैरह करता हूं, थोड़ा सा तैयार होते हैं, वेद को भी उठाते हैं और निकलते हैं यहां से फटाफट, वरना अगर बारिश चालू हो जाएगी तो बहुत दिक्कत है। तो बागी से निकल के हम लोग आ गए काफ़ी आगे तक और ठंडा काफ़ी है, बारिश लगातार हो रही है। चाय और आग। बारिश रुक ही नहीं रही है और पूरे हिमाचल में बारिश ही बारिश हो रही है। फिर सर्द हवा और बारिश के बीच में फिर से एक बार रुक गए हैं और अभी समय हो गया कुछ खाना खाने का, तो खाना खा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज पता नहीं घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं। तो हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं, बहुत बारिश हो रही है, सुबह से बारिश चालू है। एक बार जब हम लोग निकले थे बागी से तब से बारिश चालू है और अभी तक बारिश हो ही रही है और लगभग पूरा दिन हम लोग भीगे भीगे में रहे हैं। बहुत ज़्यादा कपकपी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, क्योंकि खासकर ग्लव्स और सॉक्स ये वाटरप्रूफ नहीं ना होने की वजह से काफ़ी ठंडा लग रहा था, क्योंकि एक तो पहाड़, ऊपर से बारिश और ऊपर से सर्दियाँ, सब कुछ मिला जुला करके काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा था। तो अभी हम लोगों ने रूम ले लिया है होटल हिमाचल हिल्स में और आज शाम यहीं बिताएंगे। अब कल सुबह यहाँ से निकलते ही और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दिल्ली की तरफ। वैसे तो अभी हर जगह पर ये दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट कि कल भी बारिश होगी, तो पूरे हिमाचल में और पंजाब में आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी हो रखा है। बट हमें घर पहुँचना है, तो कल कैसे भी भीगते हुए या सूखते हुए हम कल घर पहुंच जाएंगे। बहुत सही, अभी तक की तो हमारी जर्नी बहुत बढ़िया रही है, बहुत मज़े किए। कल चलते हैं दिल्ली के लिए, आज का दिन यहीं समाप्त, करते हैं आराम, पैरों को करते हैं गरम और बाकी मिलेंगे कल। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। अभी हम लोग हैं स्वर्ग घाट पर और स्वर्ग घाट से जो है कल आते आते काफ़ी भीग चुके थे, तो हम लोग स्वर्ग घाट पर ही होटल लेके रुक गए, यहाँ पर ही रात बिताई। अब हम लोग यहाँ से सुबह सुबह निकल रहे हैं, अभी अराउंड 7:30 हो रहा है और बारिश अभी भी बाहर चालू है। सामान सब लगभग पैक कर दिया है बैग में और जो टांगे थे यहाँ पे कल सूखने के लिए वो सारी चीज़ें वापस पहन ली गई हैं, क्योंकि बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है। तो ये हम लोग की गाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, सामान सारा पैक कर दिया है। बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है, पर बादल पूरे घिरे हुए हैं, तो भगवान का नाम लेके चला जाए। जय बजरंगबली। ये हमारा आखिरी नज़ारा है पहाड़ों से, इसके बाद जो है पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं और ये आ गया है कीरतपुर। तो सामने अगर हम देखें तो वो है कीरतपुर गुरुद्वारा वहाँ पर, और बस हम लोग
अब आ चुके हैं प्लेन्स पर। तो ये हमारा पहला स्टॉप है जब से हम लोग स्वर्ग घाट से निकले हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया जाए पंजाबी ढाबे पर। अभी रास्ता आगे काफ़ी लंबा है, बीच बीच में मन कर रहा था कि रुक के रिकॉर्ड करें, बट इतनी बारिश हो रही है, पूरा सब सामान पैक है, अपने हाथ पैर मोजे सब कुछ पैक कर रखे हैं, तो कुछ भी निकालने का मन नहीं करता। अभी रुके हैं तो मोबाइल निकाला है यहाँ, तो यहाँ पे कुछ करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली अब दूर नहीं। आलू पराठा, दही, चाय चालू है, इसको फटाफट निपटाते हैं और फिर निकलें। क्या भैया वेद, पहुँचना है दिल्ली जल्दी? तो अभी अभी हम लोग हाईवे पे रुके हैं, धूप आ चुकी है, तो 3 दिन के बाद लगभग अभी हम लोग धूप का सेवन कर रहे हैं। चंडीगढ़ अम्बाला ये दोनों क्रॉस हो चुका है, तो दिल्ली लगभग 190-195 किलोमीटर है और जो हमारा घर है वो अभी लगभग 220-230 किलोमीटर है। थोड़ा सा धूप का आनंद लेते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लव्स वगैरह ये सब भीग चुके थे, भीग के फूल चुके हैं, तो थोड़ा सा धूप का सेवन करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, तो आराम आराम से देखे रहे ना भैया, देखे हट रहे हैं, कितना शरीर दिख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सींग वाली गायें हैं, पूरा मेला जा रहा है इनका, मूर्थल वाला टोल क्रॉस हो गया है, इतनी सारी गायें, अरे अरे दौड़ी आ रही, दौड़ी आ रही, दौड़ी आ रही, भाग 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 भाग, वो देख। हाँ शकल देखो कैसी हो गई, काला काला सब मैल जम गया है। और यही कुछ जगह थी जब 1 जनवरी को हम लोग अपना सफ़र शुरू किए थे, तो सूरज कहीं इधर से निकलने वाला था उस टाइम पर, और अभी सूरज देवता जो है इधर अस्त हो चुके हैं। बादल काफ़ी रहा है, बट अच्छी बात यह है कि हमें कहीं बारिश नहीं मिली है। तो फिलहाल अभी हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हैं और 35 किलोमीटर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। क्या भैया वेद, मज़ा आया? पर ड्राइव आज की थोड़ी लंबी हो गई, 350-400 किलोमीटर की ड्राइव थी, 5 दिन ड्राइव करने के बाद आज 500 किलोमीटर की ड्राइव, तो बॉडी थोड़ा सा जवाब दे रही है, बट नो डाउट हिमालयन बहुत मज़ा, कोई थकान नहीं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने क्लासिक वाले राइड से, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। चलो अब निकलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो और पहुँचते हैं जल्दी जल्दी घर। इतनी थकान थी लेकिन घर आते ही आदो बस एक स्माइल जो सारी थकान को दूर कर देती है ना आदो? हाँ, किसकी स्माइल? थकान की। फाइनली नहा धो के हैं तैयार और अब मिलेंगे आदू जी से, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी, बहुत ज्यादा धुआं चिपका हुआ था चेहरे पर, है ना आदू? काला काला हो रखा था ना जब पापा आए थे, है ना? अब कैसा है? अच्छा। अच्छा है ना? तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सुंदर सफर था ये, बहुत मजे किया हम लोगों ने इस चीज को। तो अब समय हो गया है कि अब करते हैं थोड़ा सा आराम और मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।